नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। आज हम बताएंगे किन किन चीजों से, किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम रिफ्रैक्शन करते हैं, मतलब चश्मे का नंबर निकालते हैं। ये हमारी रेटिनोस्कोपी है जो हॉस्पिटल के अंदर मिलती है, इससे हम रिफ्रैक्शन कर लेते हैं, मतलब चश्मे का नंबर हम निकालते हैं पेशेंट का। ये हमारा ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, जिसे हम आम भाषा में कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये इससे भी हम चश्मे का नंबर निकाल देते हैं। मैं आपको ऑन करके और दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा स्फेरिकल लिखा हुआ होता है, यहाँ सिलेंड्रिकल पावर आती है, हमारी एक्सेस आती है। अब इधर हम करते हैं तो राइट आई का हो जाता है, इधर हम करेंगे तो लेफ्ट आई का हो जाता है। इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर राइट आई आ गई और इधर हम इसे करेंगे तो ये आपका लेफ्ट आई आ गई। हम पेशेंट को यहाँ पर बैठाते हैं पीछे, यहाँ पर चिन रखवाने के लिए बोलते हैं, हेड ऊपर टच करना होता है। इसमें एक टारगेट होता है बैलून टाइप का, हम उस पर फोकस करने के लिए बोलते हैं कि आपको वहाँ पर फोकस करना है। बाकी ज़्यादा देर का टाइम, कम से कम 20 से 30 सेकंड में दोनों आँखों का रिफ्रैक्शन हो जाता है। थैंक यू।